नॉर्मल सेलर के मुकाबले अच्छे सेल आती है। स्मार्ट फुलफिलमेंट में जो इन्वर्ट करते हैं उनकी अच्छे सेल आती है नॉर्मल सेलर के मुकाबले, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं स्मार्ट फुलफिलमेंट वाले सेलर। स्मार्ट सेलर कैसा बना जाता है इसी वीडियो में बात करेंगे अभी आगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लिपकार्ट पे स्मार्ट सेलर बनना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नाजिम मलिक है और मैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन सेलर पर स्वागत करता हूँ। आइए सीखते हैं स्मार्ट फुलफिलमेंट में एनरोल कैसे करें ताकि हमें एफिश्योर टैग मिल जाए। दोस्तों, स्मार्ट फुलफिलमेंट में इनरोल करने के लिए हम अपने सेलर स्कोर इंक्रीज़ करना होगा। सेलर स्कोर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हम अपने अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलर स्कोर पर। इस पर क्लिक कर देंगे हम, तो देखिए यहाँ पे सेलर स्कोर लिखा हुआ रहा है 4.2 लिखा हुआ रहा है, 5 में से 4.2 लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, जिसमें प्रोडक्ट क्वालिटी का 3.9 है और सर्विस क्वालिटी का 4.5 है। हमें स्मार्ट फुलफिलमेंट जो मिलता है वो सेलर स्कोर के बेस पे मिलता है। स्मार्ट फुलफिलमेंट के क्या बेनिफिट है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक बार आपको ईमेल खोल के दिखा देता हूँ स्मार्ट फुलफिलमेंट के क्या बेनिफिट है। एक बार आपको प्रोडक्ट खोल के दिखाता हूँ मैं फ्लिपकार्ट पे, flipkart.com पे। ये देखिए जो यहाँ पे एफिशियोर बैच लिखा हुआ रहा है, ये बैच मिलता है स्मार्ट फुलफिलमेंट सेलर को या फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेलर को। जो नॉर्मल सेलर होते हैं उन्हें नहीं मिलता। मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपको दिखाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर क्या बेनिफिट है इसके। कस्टमर ये सब पड़ता है 6 क्वालिटी चेक, फास्ट एंड फ्री शिपिंग मिलती है स्मार्ट फुलफिलमेंट में, तो इसलिए कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशियोर वाले प्रोडक्ट परचेज करता है। जिसे टैग मिल जाता है तो उसकी सेल इंक्रीज़ होती है। कैसे इंक्रीज़ होती है मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा। ये एफिशियोर की ऑनबोर्डिंग है। गूगल फॉर्म आया था जब मैं एलिजिबल हो गया था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डियर सेलर कॉन्ग्रेचुलेशन यू दैट यू आर नाउ एलिजिबल फॉर द स्मार्ट फुलफिलमेंट प्रोग्राम ऑन फ्लिपकार्ट। बिलो आर द बेनिफिट दैट यू कैन अवेल वंस यू बिकम आर स्मार्ट फुलफिलमेंट सेलर। ये बेनिफिट मिलेंगे हमें अगर हम स्मार्ट फुलफिलमेंट में इनरोल कर लेते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट है देखिए यहाँ पे। यू विल गेट दी एफिश्योर्ड बैज। एफिश्योर्ड बैज का क्या बेनिफिट है मैंने अभी आपको यहाँ बताया। देखिए जब कस्टमर ये सब पड़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिश्योर्ड वाले प्रोडक्ट खरीदेगा नॉर्मल प्रोडक्ट के मुकाबले। इन सारे प्रोडक्ट पे हमारे एफिशियोर्ड का बैज लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे सारे पे जितने भी आ रहे हैं एफिशियोर्ड का बैज है। यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं और भी बाकी डिज़ाइन है, और यहाँ पे सेलर स्कोर हमारे यहाँ पे आ रहा है 4.2 देखिए। तो एक तो ये बेनिफिट है इसका स्मार्ट फुलफिलमेंट का, यू विल गेट दी एफिशियोर्ड बैज। और सेकंड बेनिफिट है इसका, द लिस्टिंग विद द बैज विल गेटर विजिबिलिटी ऑन द फ्लिपकार्ट पोर्टल। अगर हम स्मार्ट सेलर बन जाते हैं तो हमारी विजिबिलिटी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हमारा बहुत पीछे आता था प्रोडक्ट, 5-6-10 पेज पर आता था, तो वो सेकंड थर्ड पेज पर आने लगेगा। अगर हम स्मार्ट सेलर बन जाएंगे उस पर ये एफिशियोर्ड का बैज आ जाएगा, तो हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, जिससे हमारे ऑर्डर इंक्रीज होंगे। और यहाँ पे यू विल गेट अ बूस्ट इन योर सेल, सेलर हु इन्वर्ट मोस्ट ऑफ द सेलर स्मार्ट विटनेस ग्रोथ ऑफ 10-15% इन सेल। ये कह रहे हैं जिन्होंने भी स्मार्ट फुलफिलमेंट प्रोग्राम में इन्वर्ट करा है, उन्होंने इन्वर्ट होने के बाद 10-15% की ग्रोथ देखी है अपनी सेल में स्मार्ट फुलफिलमेंट में इन्वर्ट होने के बाद। तो इसके ये बेनिफिट है। एग्जाम्पल अगर हमारे 10 ऑर्डर आते थे तो हमारे 13-14-15 ऑर्डर आने लगेंगे इन्वर्ट होने के बाद, क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है हमारे ऑर्डर्स भी इंक्रीज होंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है यू विल गेट अ बूस्ट इन योर प्रोडक्ट रेटिंग टू। हमारी जो प्रोडक्ट रेटिंग होती है यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 4 स्टार और बाकी पर अलग अलग है। तो उनमें भी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अपने ब्लेजर, एक ही वाला दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस पर भी 4 पॉइंट से ऊपर है, ये वाला दिखा देता हूँ, अच्छे रेटिंग से इस पर भी ख़राब नहीं है। तो इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट रेटिंग भी इंक्रीज़ होती है। ज़्यादातर अच्छे प्रोडक्ट पर हमारी रेटिंग देती है। देखिए इस पर 4.3, अलग अलग सब पे रेटिंग है, तो इस पर हमारी रेटिंग इंक्रीज़ होती है जब हम स्मार्ट फुलफिलमेंट में इन्वर्ट कर लेते हैं। नॉर्मल सेलर के मुकाबले अच्छी सेल आती है स्मार्ट फुलफिलमेंट में। जो इन्वर्ट करते हैं उनकी अच्छी सेल आती है नॉर्मल सेलर के मुकाबले, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं स्मार्ट फुलफिलमेंट वाले सेलर। स्मार्ट सेलर कैसा बना जाता है इसी वीडियो में बात करेंगे अभी आगे। यहाँ पे देखिए कुछ इन्होंने, टू अवेल द अमाउंट वेंचर बेनिफिट यू हैव फुलफिल द बिलो मेंशन रिक्वायरमेंट एट योर वेयर हाउस। वेयर हाउस में हमारे सब होना चाहिए। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है कि आप ये फॉर्म कैसे भर सकते हो, गूगल का फॉर्म है, यहाँ पे ये फॉर्म कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है। जब आप एलिजिबल हो जाओ तो ये फॉर्म में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चाहिए, और इसमें सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती, यानी कि अगर आपके पास सारी चीज़ें हो, इन्होंने तो मेंशन कर रखा है यहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास इसमें से कुछ चीज़ें नहीं थी जब भी मैं स्मार्ट सेलर बन गया। यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए मैं छोटा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रैक्स होनी चाहिए हमारे पास, जिनमें हम प्रोडक्ट रखते हैं वो हमारे पास रैक्स होनी चाहिए। लैपटॉप और डेस्कटॉप होना चाहिए हमारे पास, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। बारकोड प्रिंटर होना चाहिए, बारकोड स्कैनर होना चाहिए, लेज़र प्रिंटर और वेट स्केल मतलब मशीन नाप तोल करने वाली वो मशीन होनी चाहिए। तो ये 6 चीज़ें हमारे पास होंगी तब हम स्मार्ट सेलर बन पाएंगे। रैक्स जिसमें आप अपने प्रोडक्ट रखते हो, ये बिन नंबर देते हैं आपको, उस पर सबको आपको फिल करना होता है, बिन नंबर लगाना होता है, तो ये सब आपको चाहिए होता है। इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आपके पास अगर ना हो तो आप स्मार्ट सेलर बन सकते हैं। मेरे पास भी इसमें से बारकोड स्कैनर भी नहीं था, मेरे पास इसमें से वेट स्केलिंग मशीन भी नहीं थी, तो मैं मेरे पास रैक्स भी नहीं थी क्योंकि मेरा हैंगिंग का सिस्टम है, इस वजह से रैक्स नहीं थी। मेरे पास ब्लेजर हैंगिंग का सिस्टम है,
और रैक्स नहीं थे मेरे पास, तो दो तीन चीज़ें मेरे पास नहीं थी इसमें से, लेकिन उसके बाद भी मैं स्मार्ट सेलर बन गया। तो अगर आप स्मार्ट फुलफिलमेंट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो गए हो, आपके पास भी ऐसा मेल आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर स्मार्ट फुलफिलमेंट प्रोग्राम ऑन फ्लिपकार्ट। तो आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, इसमें क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या आप छोड़ सकते हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेल लेने के लिए आपको क्या करना होगा। ये मेल मैंने आपको दिखा दिया, इस तरीके से आता है, लेकिन अगर ये मेल आपको अभी तक नहीं आया, आप स्मार्ट सेलर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा जो आप स्मार्ट सेलर बन जाए और आपको ऐसा मेल मिले और फिर आप भी स्मार्ट फुलफिलमेंट प्रोग्राम में आ जाओ और अपनी सेल इंक्रीज कर लो, प्रॉफिट इंक्रीज कर लो। तो चलिए चलते हैं वापस सेलर डैशबोर्ड पर। यहाँ लिस्टिंग में एफ एश्योर्ड लिखा हुआ आ जाता है, जो नॉर्मल लिस्टिंग होती है उनमें लिखा हुआ नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ नॉर्मल लिस्टिंग भी है मेरी, मैंने अभी इन्वर्ट नहीं करी, मैं कर सकता हूँ सबको स्मार्ट फुलफिलमेंट में मैंने, लेकिन अभी करी नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए जो जो स्मार्ट फुलफिलमेंट की है उन पर एफ एश्योर्ड का भेज होगा यहाँ पर एफ एश्योर्ड, लेकिन जो स्मार्ट में नहीं होंगी उन पर नहीं होगा। ऑलमोस्ट सारी है वैसे मेरी, लेकिन कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर ये देखिए, एक ये नहीं है और एक ये वाली नहीं है, और नीचे भी होंगी काफ़ी, ये देखिए आ गई, ये नॉर्मल है, इसमें एफ एश्योर्ड का भेज नहीं आ रहा है, ये भी ब्लेजर है लेकिन उसमें एफ एश्योर्ड का भेज नहीं आ रहा है। मैंने इन्वर्ट नहीं करी, मैं चाहूँ तो इन्वर्ट कर सकता हूँ सारी, लेकिन इस तरीके से आपको भी नज़र आ रही होंगी अपनी लिस्टिंग अगर आप स्मार्ट सेलर नहीं है। जब आप स्मार्ट सेलर बन जाएंगे और आपने वो फॉर्म फिल कर दिया, तो आपको इस तरीके से एफ एश्योर्ड लिखा हुआ आ जाएगा जब आप इन्वर्ट कर लेंगे लिस्टिंग। इन्वर्ट कैसे करते हैं लिस्टिंग वो भी आगे बताऊँगा आपको, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। और स्मार्ट सेलर बनने के बाद आपको अलग से एक डैशबोर्ड मिलता है यहाँ पर स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स का, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग से मिलता है, ऐसे अलग से प्रोसेस करना पड़ता है ऑर्डर को, ये भी आगे बताएंगे किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो चलिए चलते हैं कि आप स्मार्ट सेलर बनेंगे कैसे, मेन टॉपिक आ जाता है स्मार्ट सेलर यहाँ पे बना कैसे जाए। हम यहाँ पे स्टेटस में जाएंगे और सेलर स्कोर के बेस पे बना जाता है स्मार्ट सेलर। सेलर स्कोर के बेस पे कैसे बना जाता है, सेलर स्कोर 4 पॉइंट रहना चाहिए हमारा 3 महीने तक। स्मार्ट फुलफिलमेंट की जो टीम होती है इनकी फ्लिपकार्ट की, ये हमारा स्कोर देखती है 3 महीने का लास्ट का, हमारा 3 महीने तक 4 पॉइंट तक रहा हमारा, तो ये हमें ऐसा मेल भेजेगी, इसे मैंने आपको बताया भी कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, अगर हमारे प्रोडक्ट की, हमारा सेलर स्कोर जो है, ये प्रोडक्ट की रेटिंग हमारी कितनी भी हो, सर्विस क्वालिटी कितनी भी हो, टोटल मिला के ये हमारा 4 पॉइंट रहना चाहिए सेलर स्कोर। अगर हमने 3 महीने तक मैनेज कर लिया अपनी सर्विस क्वालिटी या प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी कर ली किसी भी तरीके से, तो हमारा सेलर स्कोर 4 पॉइंट से ऊपर रहेगा। 4.1 हो जाए, 4 पॉइंट हो जाए, 4.2 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, जब मैंने इनरोल कराया था तो मेरा 4.8 था शायद, 8 या 7 था, वो जो मुझे मिला था 3 महीने के अंदर मिल गया था मुझे, ये 3 महीने का उन्होंने स्कोर देखा था मेरा, 4.8 था मेरा, 7 था, लेकिन 4 पॉइंट से ऊपर ऊपर था मेरा, 4.5 से ऊपर ऊपर था, तो मुझे मिल गया था। आप 4 पॉइंट से ऊपर ऊपर रखिए तो आपको भी इस तरीके से मेल आ जाएगा। वो किस तरीके से रखना है आपको, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी भेजने के लिए कस्टमर को सही प्रोडक्ट भेजिए, सही जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं वो प्रोडक्ट भेजिए, उसमें आप फीडबैक का पर्चा वर्चा कुछ स्लिप रख दीजिए फीडबैक के लिए। आप प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी, इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि आप प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे इंक्रीज करेंगे, अपने प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी। उसके बाद यहाँ पर सर्विस क्वालिटी आता है, सर्विस क्वालिटी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं आप एक भी सेलर कैंसिलेशन मत कीजिए, अपनी तरफ से कैंसिल मत कीजिए। अगर आप डिस्पैच कर सकते हैं तो पूरी कोशिश कीजिए जो डिस्पैच करेंगे कैंसिल ना हो आपकी तरफ से वो, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है वो अलग बात है, एक बार कैंसिल हो जाए, दो बार हो जाए, लेकिन आप इसे बहुत कम या इसे जीरो ही रखने की कोशिश कीजिए, तो आपकी यहाँ पर सर्विस क्वालिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद यहाँ पर डिस्पैच ब्रीच, आपके पास जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं आप उन्हें टाइमली डिस्पैच कीजिए, टाइम टू टाइम डिस्पैच कीजिए, फिर आपकी जो सर्विस क्वालिटी है वो खुद ही खुद 4 पॉइंट से ऊपर हो जाएगी, 4.5 हो जाएगी, 5 पॉइंट हो जाएगी, मेरी भी 5 पॉइंट रहती है, भी कुछ टाइम से बस ये 4 पॉइंट है, कुछ ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिए थे वो कुछ लेट हो गए थे मुझे देने के लिए स्टॉक की वजह से, इसकी वजह से कम हो गई, वरना ये ऑटोमेटिक हो जाती है ऐसी। तो जब आपकी ये इंक्रीज होगी प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी, तो आपका स्कोर, सेलर स्कोर जो है ये 4 पॉइंट से ऊपर आ जाएगा। जब भी आपका 4 पॉइंट से ऊपर आ जाएगा तो फिर आपको ये ईमेल रिसीव होगा फ्लिपकार्ट वालों की तरफ से, जिसके बेनिफिट मैंने अभी आपको बताएं क्या क्या बेनिफिट है इनके, मैंने अभी आपको बता दिए। और आपके प्रोडक्ट पर मैंने बताया कि आपको एफ एश्योर्ड का टैग मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको एफ एश्योर्ड का आपको एक टैग मिल जाएगा। तो अगर आपने अपना सेलर स्कोर मैनेज कर लिया है वाला, फ्लिपकार्ट का आपने सेलर स्कोर मैनेज कर लिया है और आपको ये मेल भी आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, तो स्मार्ट फुलफिलमेंट की फ्लिपकार्ट की टीम आपके वेयरहाउस में आएगी, यहाँ पे देखिए मेंशन भी होगा वहीं पे। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जब आप स्मार्ट सेलर बन जाते हैं, इनरोल कर लेते हैं, तो फिर आपको संडे वर्किंग इज मैंडेटरी है, यहाँ पे आप संडे की कोई पूरे हफ्ते में कोई सी छुट्टी नहीं ले सकते, हॉलीडे पर जा सकते हैं लेकिन छुट्टी नहीं ले सकते आप कोई से भी दिन की। तो जब आपको ये मेल आ जाता है तो आपका एक इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू पहले आपके वेयर हाउस में ही होता था, लेकिन जब से कोविड आया है तो इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। देखिए यहाँ पे मेंशन है, यू शुड हैव ऑल द फिजिकल प्रोडक्ट एट योर वेयर हाउस एज मेंशन द अबव पॉइंट द वेज
आर मैंडेटेड इक्विपमेंट यू शुड हैव टू गेट ऑन बोर्ड ऑन स्मार्ट फुलफिलमेंट प्रोग्राम। वंस यू फिल द फॉर्म वी विल शेड्यूल द ऑडिट विद इन द नेक्स्ट वीक। ऑडिटर फ्रॉम फ्लिपकार्ट विल कनेक्ट यू ओवर वीडियो प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, गूगल डुओ और जूम फॉर द मैंडेटरी चेक ऑफ योर इक्विपमेंट एज आस्क इन द फॉर्म एंड बिन कॉन्फ़िगरेशन। फ्लिपकार्ट के जो ऑडिटर है वो वीडियो कॉल पर हमारे सारे चेक करेंगे। हमारे पास रैक्स, लैपटॉप, बारकोड स्कैनर, बारकोड प्रिंटर ये सब हमारे पास है नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कैसे मेरी ऑडिट कैसे हुआ था, वीडियो कॉल से हुआ था मेरा व्हाट्सएप पर। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं व्हाट्सएप लॉग इन कर लेता हूँ, मैं जल्दी से मैं सर्च कर लूँगा। स्मार्ट फुलफिलमेंट के नाम से नंबर सेव कर लिया था मैंने, ये रहा। इसे मैं इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ, दो इमेजेस हैं यहाँ पे। देखिए इस नंबर से पहले मुझे कॉल आई थी, जो नंबर स्मार्ट फुलफिलमेंट लिख दिया मैंने, इस नंबर से कॉल आई थी मेरे पास कि आप सारी चीज़ें रेडी रखिए, आपको ऑडिट होने वाला है ऑनलाइन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उनसे कॉन्टेक्ट किया था, तो उन्होंने बारकोड की बात बताई थी मुझे कि हमें बारकोड चाहिए होते हैं, आप बिना बारकोड के भी काम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि आप बिना बारकोड, बिना प्रिंटर के, बिना स्कैनर के किस तरीके से स्मार्ट फुलफिलमेंट में इनरोल कर सकते हैं। बिना बारकोड के, बिना प्रिंटर के आप किस तरीके से स्मार्ट फुलफिलमेंट में इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ मैंने अपने ब्रांड्स के बारकोड्स वगैरह दिखाए थे, जिसके बाद इन्होंने मुझे अलग से बारकोड्स लाने के लिए दिए थे। मेरा जो लेंथ और ब्रीथ है विदे इतनी है, इन्होंने इतनी बताई थी मुझे लाने के लिए, जो मैं नहीं लेके आया था। लेकिन जब भी मेरा ऑडिट पास हो गया था, उसके बाद यहाँ पे हमारा वेयर हाउस देखते हैं। रैक्स जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पर रैक्स लिखा हुआ रहा है। अब मेरा हैंगिंग का सिस्टम है तो रैक्स नहीं होंगी मेरे पास, मेरे पे हैंगिंग का सिस्टम था यार सारे ब्लेजर, तो इस वजह से मैंने हैंगिंग की इन्हें पिक्चर्स दी, कितने मेरे पे ब्लेजर, कितने टांगने की जगह है, ये सब मैंने आपको इन्हें दिखाया। तो इन्होंने उस हिसाब से मुझे बिन्स प्रोवाइड किए। बिन नंबर्स क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जब आप इन्वर्ट करेंगे इसमें, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है हाउ टू इन्वर्ट इन स्मार्ट फुलफिलमेंट। उस वीडियो में मैंने बताया कि बिन नंबर क्या होते हैं, आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं बिन नंबर क्या होते हैं, वो किस तरीके से आपको मैनेज करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने वेयरहाउस के जो जहाँ मेरे रैक्स हैं इनके फोटो दिए, फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे कॉल पे ज़्यादातर बात हो रही थी, व्हाट्सअप कॉल पे ही। तो इन्होंने फिर यहाँ पे इसके बाद मुझसे प्रिंट निकलवाए थे कुछ रिटर्न एरिया के, इन्होंने प्रिंट निकलवाया कि आप रिटर्न एरिया जहाँ आपने रिटर्न रखते हैं वो रख लीजिए, उसका पिक्स भेजिए हमें जहाँ आपके रिटर्न रखे हुए, और वहाँ पे इस तरीके से आप एक लेबल लगा लीजिए रिटर्न एरिया का। रिटर्न एरिया का हमने यहाँ पर लेबल लगाया अपने प्रिंटर से निकाल के। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा आया प्रोसेसिंग एरिया, यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा ज़रा, फ्लिपकार्ट प्रोसेसिंग एरिया जहाँ से हमारे ऑर्डर प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर इसके बाद एक लेबल लगा के इनकी पिक्स भेजी मैंने। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आ जाता है QC एरिया लगा के मैंने इसकी पिक्स भेजी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग एरिया शायद, ये अभी पिक्स डाउनलोड नहीं हुई, यहाँ पे पिकअप एरिया, पैकेजिंग नहीं है पिकअप एरिया है। पिकअप एरिया पे जहाँ से हमारा पिकअप के लिए रखा होता है, पिकअप फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, वहाँ की मैंने इन्हें पिक्स लगा के भेजी। और उसके बाद यहाँ पे फ्लिपकार्ट स्टेजिंग एरिया है, उसकी पिक्स भेजी। ये खुद बताते हैं आपको कहाँ कहाँ लगानी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे लगानी है, ये आपको खुद बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैकेजिंग एरिया, पैकिंग कहाँ होती है हमारी, उसकी यहाँ पे पिक्स भेजी मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्यूसी रेजेक्ट बिन का मैंने भेजा यहाँ पे फोटो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे देखिए मेंशन है यहाँ पे लेजर प्रिंटर, तो मेरे पास प्रिंटर था, मैंने प्रिंटर का भेजा। उसके बाद यहाँ पे बारकोड प्रिंटर भी था मेरे पास, ये रहा यहाँ पे बारकोड स्कैनर है, तो मेरे पे बारकोड स्कैनर नहीं था, ये बारकोड प्रिंटर था मेरे पास, तो मैंने बारकोड प्रिंटर का भेजा यहाँ पे, ये रहा बारकोड प्रिंटर का। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में यहाँ पे अपने लैपटॉप का भेजा। आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है या फिर दो तीन लैपटॉप है आपका, जो भी है आप सिर्फ एक लैपटॉप का दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी सिर्फ एक ही है, यहाँ पर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए आपके पास। तो मैंने इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादातर जो है पूरी कर दी थी, लेकिन मैं सारी पूरी नहीं की थी, यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए ये मैंने इन्होंने जो जो इन्होंने फ़ोन पर बताया मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर दी, जो मैंने आपको भी फोटो में दिखाया। अब यहाँ पर इन्होंने पैकिंग मटेरियल एंड रेंट एग्रीमेंट और लाइट बिल की इमेज, ये इमेज मांगी, तो मैंने यहाँ पे एग्रीमेंट मुझे शायद मिला नहीं था उस टाइम पे, इस वजह से मैंने यहाँ पे लाइट बिल की इमेज शेयर कर दी थी। और पैकिंग मटेरियल मेरे पास क्या क्या होता है फ्लिपकार्ट का, वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है इमेजेस के साथ ही, मैंने इन्हें शेयर किया था। ऑडिट पास करने के लिए होता है ये, जब हमें ये मेल मिल जाता है तो उसके बाद हम डायरेक्ट इनरोल नहीं कर लेते, हमें पहले ये टेस्ट देना होता है। अगर हम ये टेस्ट में पास हो गए तो फिर हमें उसके बाद स्मार्ट फुलफिलमेंट में इनवर्ट का चांस मिलता है। तो मेरे पास इनमें से कुछ चीज़ें नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें नहीं थी मेरे पास इनमें से। मेरे पास बारकोड स्कैनर नहीं था, वेट स्केलिंग नहीं थी, और इन्होंने एक टेप और मांगा था मुझसे, वो ब्लू कलर का टेप आता है फ्लिपकार्ट का, वो और मांगा था, वो भी नहीं था मेरे पास। तो मेरा फिर भी उसके बाद भी ऑडिट पास हो गया था। मैंने इनसे कहा था कि मेरा जो बारकोड स्कैनर है वो मैंने अभी ऑर्डर किया है, जब मुझे मेल मिला था तो मेल मिलने के बाद मैंने अगले दिन ही ऑर्डर कर दिया था, अब 3-4 दिन लगेंगे मेरा बारकोड स्कैनर आने में, तो आप इतने प्रोसेस कीजिए, जब मेरा आ जाएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, मैंने इनसे ये बोल दिया था। लेकिन उन्होंने उससे पहले मेरा QC पास कर दिया था, तो मैंने फिर बारकोड स्कैनर मंगाया ही नहीं। और वेट स्केलिंग मशीन भी मैंने ये की थी कि वेट स्केलिंग मशीन भी मैं ले आऊँगा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं था इसके अंदर ये चाहिए, मुझे ये मेल मिला है तो मुझे पता चला है मुझे 3-4 दिन लगेंगे यहाँ से ये सब सामान लेके आने में, जो जो मेरे पास नहीं है।
चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, मेरा यहाँ से इतने में इन्होंने पास कर दिया था, क्यूसी पास कर दी थी। यहाँ पे देखिए मेरा लिखा हुआ आ रहा है, देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है ओवरऑल ऑडिट रिजल्ट जो है मेरा पास लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर कुछ में फेल हो गया था, लेआउट फ्लोर मार्किंग में फेल हो गया था, और यहाँ पे कोलिब्रेशन एंड स्टैम्पिंग ऑफ वेट स्केल, वेट स्केलिंग मशीन नहीं थी मेरे पास, उस पर फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा यहाँ पर पास हो गया था। मैं आपको सेकेंड इमेज दिखाता हूँ यहाँ से, ये रही सेकेंड इमेज, ये देखिए मैंने आपको दिखाया था, ये भी ओवरऑल स्कोर जो है मेरा पास है यहाँ पे। और यहाँ पे क्रिटिकल स्कोर और एसेंशियल स्कोर, नॉन क्रिटिकल स्कोर, ये सारे 100% आए थे। तो ऑडिट रिजल्ट जो है मेरा पास हो गया था। जब आपका ऑडिट रिजल्ट पास हो जाता है तो आप स्मार्ट फुलफिलमेंट में एनरोल कर जाते हैं। फिर आपको दो दिन के अंदर अंदर यहाँ पे कुछ चेंज देखने को मिल जाता है आपको अपने पोर्टल पे। जैसे आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो पहले सिर्फ एक्टिव ऑर्डर्स आता था यहाँ पे, लेकिन अब स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर भी लिखा हुआ आता है जब आप इनरोल कर जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री में जाएंगे, अब स्मार्ट फुलफिलमेंट इन्वेंट्री आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। आप इसमें इन्वर्ट कैसे करें लिस्टिंग, जब आप स्मार्ट सेलर बन जाते हैं तो आपको इन्वर्ट करनी पड़ती है, डायरेक्ट उस पर वेबसाइट भेज नहीं आ जाता, आपको सारी इन्वर्ट करनी पड़ती है। आप कितनी इन्वर्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लिस्टिंग इसमें इन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि इसमें आप इन्वर्ट कैसे कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग है। डायरेक्ट इन्वर्ट नहीं होती, आपको इन्वर्ट करनी पड़ती है। इसमें जब जाके एफएसशूट का भेज आता है कि आप कौन सी लिस्टिंग इसमें इन्वर्ट करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, मैंने कुछ लिस्टिंग इन्वर्ट कर रखी है, कुछ नहीं कर रखी है अभी, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि इसमें इन्वर्ट कैसे करें। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मूव का, यहाँ पर जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। आपको रिमूव करना है, स्टॉक ऐड करना है, स्टॉक अगर आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं और आपका बिक गया है, अमेजोन पे बिक गया, फिर अदर मार्केट प्लेस पे बिक गया, तो यहाँ से इसका स्टॉक जो है वो रिमूव कैसे करें, जब या फिर आपके यहीं सारे बिक गए, फिर यहाँ से नया माल आया आपका उसका ऐड कैसे करें, ये सब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से, जिसमें मैंने बताया है कि आप स्मार्ट फुलफिलमेंट की इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मैनेज स्मार्ट फुलफिलमेंट इन्वेंट्री, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने। और यहाँ पर रिकॉल का आ जाता है, मैंने आपको सारे उसी वीडियो में बताया, वहीं से जाकर चेक कर लीजिए। वहाँ पर एक तो आपको ये अलग से डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स का ये भी नया डैशबोर्ड आ जाता है आपका। देखिए यहाँ पे जो रेगुलर हमारे ऑर्डर होते हैं वो बहुत अलग है, एक्टिव ऑर्डर्स में जाएंगे हम तो यहाँ पे देखिए बहुत ये आपके पास ऐसा होगा भी डैशबोर्ड, लेकिन जब हम स्मार्ट सेलर बन जाते हैं तो नॉर्मल ऑर्डर्स आ रहे हैं जिनमें मेरा एफएसशूट पेज नहीं होता। मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे एफएसशूट का पेज नहीं है मेरे प्रोडक्ट पे, एफएसशूट का पेज नहीं है, लेकिन जब आप मेरे स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये न्यू ऑर्डर्स जो होते हैं वो होते हैं अपकमिंग में यहाँ पे आते हैं ऑर्डर्स, और डिस्पैच यहाँ से करने पड़ते हैं और हैंडओवर, ये कैसा डिस्पैच करते हैं मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, स्मार्ट फुलफिलमेंट के ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर वो भी वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए हम जो हैंडओवर कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ आते हैं अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स 11 है मेरे यहाँ पे। ये नॉर्मल सेलर के डैशबोर्ड से थोड़ा सा अलग है स्मार्ट फुलफिलमेंट का, यहाँ पे आपके सारे प्राइस यहाँ दिखते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग नज़र आती हैं आपकी। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखी किस तरीके से इसमें ऑर्डर प्रोसेस करे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपके प्राइस यूनिट वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, और ये इसकी आईडी यहाँ पे नज़र आती है। जब आप वीव डिटेल्स पे करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा पेमेंट मोड, क्या पेमेंट मोड है इसका, प्रीपेड है या फिर COD है, कैश ऑन डिलीवरी है, SKU आईडी यहाँ पे, पर्सन आईडी, ऑर्डर आईडी, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये देखने को मिल जाती हैं। एड्रेस वगैरह बायर का यहाँ पे आ जाता है नीचे, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कैसे ऑर्डर प्रोसेस करें, ये भी वीडियो देख ली थी आप जाके। तो बस यही था स्मार्ट फुलफिलमेंट का प्रोसेस। अगर आप अपना सैलरी स्कोर मैनेज कर लेंगे तो आप इजीली स्मार्ट फुलफिलमेंट में इनरोल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया सारा। तो आप अपना स्कोर बस लास्ट ये 3 महीने तक आप 4 पॉइंट से ऊपर रख लीजिए किसी भी तरीके से। अगर आप ये रख लेंगे ऊपर तो आपको ये मेल रिसीव होगा, और मेल रिसीव होने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिए वीडियो जाके। और फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना, वो मैंने आपको इसमें बता दिया कि मेरे पास क्या नहीं था, क्या नहीं था। मैंने इसमें बताया आपको कि मेरे पास बारकोड स्कैनर नहीं था, वेट स्केलिंग नहीं थी, लेकिन इसमें यहाँ पर लेज़र प्रिंटर आपके पास होना कंपलसरी है, आपके पास होना ही चाहिए, लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और बारकोड प्रिंटर भी अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इनसे ये की दीजिएगा कि मैंने ऑर्डर किया है, ये मेल आने के बाद मैंने ऑर्डर किया है, मेरे पास 2 दिन तक आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, रैक्स वगैरह हो गए, आपको रैक्स दिखानी होंगी, अपना अपना माल कहाँ रख रखा है, अपना जो आइटम है प्रोडक्ट है आपने कहाँ रख रखे हैं, लैपटॉप आपको दिखाना होगा अपना, और यहाँ पे लेज़र प्रिंटर आपको ज़रूर दिखाना होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको कंपलसरी दिखानी होंगी, फिर उसके बाद आप ये फिल फॉर्म कर देंगे तो आपके पास ये ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर का, फिर आपके ऑर्डर इंक्रीज होंगे। तो मैंने आपको प्रोसेस भी दिखाया कि किस तरीके से होता है, वो वीडियो कॉल पर सारी चीज़ें चेक करते हैं, आपका लैपटॉप कहाँ है, आपका प्रिंटर कहाँ है, सारी चीज़ें आपको वेयरहाउस देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं आपकी, सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। फिर आपका 2 दिन बाद ये ऑडिट का रिजल्ट आता है, अगर आपका ये फेल हो जाता है तो फिर आपको दोबारा से 3 महीने वेट करना होगा, फिर आपको सारी चीज़ें मंगा के फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा, इसके लिए दोबारा फॉर्म फिल करना होगा। तो इसलिए आप सही तरीके से फिल कीजिए। और अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आपको एक कोर्स करना है, इसके ऊपर हमारा कोर्स है जिसकी फीस भी काफ़ी कम है,
और उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको सेल इनक्रीज कैसे करें और बहुत सारी चीज़ें आपको सब कुछ एड वेड सिखाया जाएगा अमेजन फ्लिपकार्ट का। तो अगर आप वो करना चाहते हैं कोर्स उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये नीचे व्हाट्सएप पर जो नंबर आ रहा है इस पर हमें व्हाट्सअप कीजिए, फिर नीचे जो मेल आईडी आ रही है इस पर हमें मेल कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं या करना चाहते हैं और अभी तक इस चैनल ऑनलाइन सेलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है।